कोरोना काल में भी नवीन महिमा मंडी में आलू प्याज के दामों में तेजी नहीं देखी गई। इस दौरान मंडी में अड़हातियों ने प्याज 15 रुपए किलो तथा लाल आलू 13 रुपए किलो व सफेद आलू 11 रुपए किलो की बिक्री की, जिसके संबंध में व्यापारियों ने बताया कि आवक भरपूर है लेकिन ग्राहक घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जिससे बिक्री नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा शनिवार और रविवार पर लगाए गए लॉकडाउन से किसी तरह के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी तथा दाम सामान्य ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को मंडी में फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने आलू मंडी को सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही खोलने के लिए निर्देशित किया है, जिससे व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, अफवाहों से दूर रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महिमा मंडी के आलू प्याज के अड़हातियों ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद फैजान। आलू 13 रुपए बिक रहा है भाई, प्याज आपका 15 से लेके 16 रुपए। बिक्री देख रहे हैं, खुद सन्नाटी चल रही है, कहाँ बिक्री रह रही है आप? आवक समझिए कि इधर एकदम परेशानी है। आवक मतलब आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, माल बहुत हल्का आ रहा है, अब कहाँ उतना ही है, माल आ रहा है तो बिकी नहीं रहा है, बिक्री है ही नहीं। संडे को लॉकडाउन हो रहा है, क्या काम बढ़ेंगे? बढ़ेंगे नहीं, बिक्री घटेगी, माल अलबत्ते दागी बनेगा, अब बिक्री कहाँ, रोजी ही नहीं रहेगी, नहीं पैकार आ ही नहीं रहे तो बिक्री कहाँ बढ़ेगी। हमारा नाम मोहम्मद अजहर अली। मंडी में आलू प्याज का रेट क्या है? आलू भाई सफ़ेद आलू है 9 रुपया से लेके 11 रुपया तक का आलू का रेट है, लाल आलू आपको 12 से लेके 13.5 रुपया तक बिका है। प्याज बिका है 15 रुपया का, बढ़िया प्याज एक नंबर नासिक का। आवक की भरपूर आमदनी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब भरपूर मिल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, थोड़ा कम आ रहे हैं, ग्राहकों की बिक्री इसलिए कम हो गई, जैसे होटल चाट उट की दुकानें सब बंद हो गई, क्योंकि 8 बजे तक सरकार का आर्डर है खोलने का, और कोई भी खाना वाना होटल में जाता है खाने तो 9 बजे रात से पहले 8:30 बजे पहले जाता नहीं है, इसके हिसाब से बिक्री थोड़ा कमज़ोर हो गई। जो ठेला वाला पे चाट टिकिया ओके लगाते थे, इनका भी शामे की दुकानदारी था रात तक का, इनकी भी बंद है, 7 बजे तक अपना प्रशासन के लोग 7:30 बजे बंद कराना शुरू कर देते हैं, भागो भागो बंद करो। अब सरकार ने शनिवार और संडे को लॉकडाउन लगा दिया है, क्या दाम बढ़ेंगे इससे? नहीं, इससे दाम बढ़ेंगे नहीं, आलू का दाम एकदम नहीं बढ़ना है। नौशाद अली। प्याज बिक रही है 14 से 15 रुपये थोक में, अब आलू बिक रहा है वही 1200 से 1300 रुपया लाल आलू। बिक्री को लेकर क्या स्थिति है? बिक्री उतनी तेजी है नहीं, सब लगन फगन खत्म हो गया है, सब सालक भी नहीं है, अब की साल लगन तो अभी स्टार्ट हुआ है, सालक सब शादी ब्याह होगा तब ना स्टार्ट हुआ है, लगन से उससे क्या होगा, 10-20 आदमी से तो कौन है, 10-20 आदमी में ना थोड़ा ना खपत होगा आलू प्याज का। आवक को लेकर क्या स्थिति है? आवक तो भरपूर है, शनिवार संडे को लॉकडाउन हो रहा है, दाम बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेगा नहीं, बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है। मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। इस मार्केट में आलू और प्याज पहले तो ये आपको बताना हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा भरपूर आवक है एकदम बिल्कुल, 15 रुपये केजी की प्याज, 1500 रुपये क्विंटल की प्याज बिक रही मार्केट में, और लाल आलू 1300 रुपये क्विंटल, 1200 रुपये क्विंटल, 1250 रुपये क्विंटल बिक रहा है, और सफ़ेद आलू आपका बिक रहा है 1100 रुपये क्विंटल, 1150 रुपये क्विंटल, ये बिक रहा, पूरी आवक है, भरपूर आवक है, आलू की कोई कमी नहीं, बल्कि कमी कस्टमर की है, ग्राहक नहीं है कि आए मार्केट में आलू प्याज ले जाए, आलू प्याज देख रहे हैं पूरा टोटल पड़ा हुआ है, आलू प्याज बिक नहीं रहा है।
क्या कारण है कि बिक्री? ये लॉकडाउन की वजह से दुकानें टाइमली बंद हो जा रही है, पूरा भरपूर खुल नहीं रहा है, रोजी रोजगार से लोग परेशान हैं। जैसे कि एक पूरा दिन भर लोग बेचते थे, अब टाइमली निर्धारित हो गया। जैसे हमारे की आलू मंडी ही 7 बजे से 1 बजे तक खुलेगी मार्केट, उसमें क्या कारोबार आदमी करेगा? क्योंकि ये कोरोना महामारी का ये जो मामला आया है इसको पहले देखना। हम तो कारोबार कम बेस कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो निर्धारित समय किया है 7 से 1 आलू मंडी, 7 से 1 फल मंडी और 5 से 11 मछली मंडी और सब्जी मंडी 12 बजे रात से 7 बजे दिन तक ले, बहुत अच्छा ही उन्होंने काम किया, सराहनीय काम किया सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने। शनिवार संडे को लॉकडाउन लग रहा है, क्या दाम बढ़ने का था? नहीं, कुछ दाम बढ़ने के, इतनी पर्याप्त है आलू प्याज यहाँ हमारे मार्केट में पर्याप्त है, कुछ दाम नहीं बढ़ेगा। दाम बढ़ने क्या कह रहा, और 1-2 रुपया घट भी सकता है दाम, क्योंकि बिक्री नहीं होगी, कच्चा सौदा है, कच्चा माल 1-2 रुपये घट के आदमी बेच डालेगा।